यार दूल्हे भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार कितनी जाना तू इतने तैयार लड़कियां से कॉल आई आ रही है कहते कितनी अब हम मोटर पे चढ़ गए हैं कहते फिर से इतने घंटे ना सर आ गया मैं हाँ ओ फिर बन जाते थे दूल्हा भाई यार आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मोटर काट दे भाई सिर्फ केक ही लेके गरीब बंदा ओ गरीब ओ काटे तू काट पहले बाकी गल बात से कराए काट खोल ले यार तू भी सामा चौधरी तो मुंह तो वड्डी कट लिया तू बाकी तू है ना सिर्फ काटना बाकी जो ना बाप जहाँ मर्जी जाओ जो मर्जी जो करते हो करो ठीक है ना हमने तो सर ये चम्मच पकड़ी साथ ये ऐसे करके ना हाय 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 क्या केक है सर जी क्या हाय 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 ओहो नीचे डूब गया ये तो भाई ये ना सर मैं डाइट से केक लेके आए हैं भाई डाइट पर है ना ये डबल चॉकलेट केक है सर एक इसमें है ये जो इसके अंदर ना असल में ये ब्राउन ब्रेड से बना हुआ है पूछते भाई वही खा रहे हैं अभी चेक करें अब आप ये अंदाजा लगा लें ये सिर्फ एक पीस मैंने लिया है एक भाई ने लिया बाकी जो हाफ केक है वो भाई जाने और भाई का काम जाने वो जो ऊपर से चलिए पता टोपी से पड़े तो भाई खड़ा कर जा रहा डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ मैन क्या कहते हैं उसको डोंट डिफेम मी ओके आई एम वेरी पॉपुलर थैंक यू वेयर आई हैव 407 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब इन मंगोलिया ना या देखो किसी की सालगिरह हो किसी की बर्थडे हो और सिर्फ एक केक पर जो है वो बात टल जाए ऐसा तो हो नहीं सकता तो मोहित भाई ने कहा मैं आपको ज़रा अच्छा सा खाना खिला के लाता हूँ अच्छा सा तो हम लोग आ गए खाना खाने एशियन किचन पाकिस्तानी एंड इंडियन फूड मुल्तान द हाउस ऑफ टेस्ट कर दिया है तकरीबन वो कह रहा है 25 मिनट लगेंगे लेकिन आप आधा घंटा मान कर चलो आधे घंटे तक हमारा जो है वो सामान खाना पीना आ जाएगा फिर हम आपको बताएंगे सर जी कैसे हम लोग जो चीज़ खा रहे थे वो भी नहीं आया क्या बिरयानी अच्छा नहीं है बिरयानी पता नहीं क्यों इतनी बिरयानी खाते हैं यार ये लोग बिरयानी मतलब इतनी ज़्यादा बिरयानी नहीं खानी चाहिए यार जब भी जाओ ना बिरयानी घर भी जाओ तो बिरयानी और ज़िंदगी में थोड़ी चीज़ें यार वही बिरयानी वही गोश्त वही रहेगी दो चीज़ें रहेगी बस यार और खैर छोड़ो वो एक अलग टॉपिक है वो कभी और डिस्कस करेंगे और जो इन्होंने गाने लगाए हैं ना यहाँ पर पूरे नींद वाले हैं यार जान आप रोटी खाए भी रजा पड़े हैं नहीं खाए रजा पड़ा हूँ केएफसी खाए भी आप रजा पड़े हैं ठीक है पीछे क्या रह गया सर ये बताएं मुझे आप ये मैंने किसी और रेस्टोरेंट में अभी तक नहीं देखा पाकिस्तान में होता है यहाँ नहीं होता यहाँ की बात कर रहा मोहब्बत यहाँ की पापा रोटी पे होता है पापा रोटी पे होता है मेरा ख्याल अरे रहा तो फिर यार वो ऐसे स्पून तो देके जाते हैं वैसे पापा रोटी में अगर ऐसा ना होता फिर स्पून देके जाते नहीं इस तरह वो ऐसे वो स्पून देके जाते हैं लेकिन ये बिछा के जाते हैं स्पून तो देके जाते हैं ना
और भारत में मिले थे स्कूल में ऐसे नहीं गए जाके देख सकते हो वीडियो हर जगह पे ले जाएंगे ये क्या है पुराने जमाने में ना जो पुराने जमाने मेरी बात सुनो मुल्तान का एक राजा था तो यार मैं सच्ची कहानी सुना रहा हूँ मुल्तान का एक राजा था उसका मुंह था चौड़ा मेरे से भी चौड़ा आपके मुंह से भी बहुत ज्यादा चौड़ा अच्छा तो इसके सज्जन ने भी मुंह बहुत ज्यादा बहुत बड़ा उसका मुंह बहुत ज्यादा बड़ा था इसलिए जो है ना उसने ये चम्मच ईजाद करवाया उसने कहा ऐसा बनाओ ताकि आ जाए चम्मच लगी समझ आप हमारे पास ये चिकन कढ़ाई है ये चिकन बोनलेस हांडी है और ये हमारे पास चिकन जलफ्रेजी है देखते हैं खाकर कैसा बनाए और फ्लैश लाइट इसकी ऑन हुई नहीं तो आप जरा अंदाजा लगा सकते हो जो दो लोग थे ना मेरे सारे के सारे अंधेरे में शूट हुए तो क्वालिटी जैसी भी होगी गुजारा कर लेना चल हम तो की खाना यार और जा चल निकल खीर खानी चल खीर खानी है कि ना इंस्टाग्राम पर आप इनको जाके फॉलो कर सकते हो वहाँ पर क्या है कि इनके पोल्स वगैरह होते हैं या ऐसी कोई चीज़ वगैरह एक्टिविटी होती है तो डिस्काउंट वगैरह आपको मिल जाता है और दूसरा क्या कि मेरी ना खीर पड़ी थी इनकी तरफ तो वो कहते हैं एक हफ्ते के अंदर आपने उठानी है मैं एक हफ्ते में आया नहीं तो मेरी जो खीर है वो ज़ाया हो गई मतलब मर गई यार कोई नहीं खैर फिर कभी ठीक दोबारा यार दोबारा पोल डालो अल्लाह के बंदो दोबारा आएंगे फिर दोबारा मैं कहता हूँ जैसे उन्होंने बोलना ना सर ये उठा लो आके मैंने फौरन आ जाना है कैसा लगा खाना अच्छा था कैसा लगा खाना चिकन अच्छा था लेकिन पुलाव फीका बहुत नमक कम ओके ओके हाँ जी मतलब मैं ओवरऑल रेटिंग दूंगा 10 में से 7 10 out of 5 सर यार एक ही बात है 10 out of 5 खैर मैं अगर अपनी पर्सनल रेटिंग की बात करूं तो सर जी 6 क्योंकि चिकन वगैरह इनका सही था बाकी जो चावल वगैरह मैं ज़्यादा खाता नहीं मैंने खाए थे वो फैसल भाई सही बोल रहे हैं मतलब मज़ा नहीं आया पुलाव सर जी वैसे भी थोड़ा फीका ही होता है चिकन भी सही नहीं लेकिन इनका पुलाव वैसे थोड़ा फीका ही होता है लेकिन इनकी शामी वगैरह ज़्यादा चस नहीं आई ज़्यादा चस नहीं आई हाँ शामी हमें जब कटी ला के ले आए ऊपर डाल के तो बस बल्ला यार आप जो मर्जी समझ लो मतलब सही नहीं लगा ठीक है मतलब एक ट्राई जरूर कर सकते हो एक दफा ट्राई आपको करना चाहिए अगर आप बाहर आओ और KFC की जो है वो आइसक्रीम ना खा कर जाओ ऐसा हो ही नहीं सकता मैं कहता हूँ अगर ऐसा हो गया ना तो आप ये तो पाकिस्तानी नहीं है भाई या तो आप खाने पीने के शौकीन नहीं हो दो ही बातें हो सकती हैं और तीसरी बात भी हो सकती है कि साढ़े वर्ग गरीब बंदे ने पैसे नहीं आगे लेकिन वो अलग बात है वो बहुत रेयर केस है दोनों यहाँ बैठे हैं मैं और फैसल भाई बाकी वो तीन लोग गए अंदर आइसक्रीम वगैरह लेने के लिए जैसे ही वो आते हैं तो फिर खाते तो भाईजान दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग मतलब नहीं मैंने एक और नया लफ्ज ऐड करना रुक जाओ सो ब्रदर दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडेज व्लॉग इंशाल्लाह ताला मिलते हैं दोबारा ताला क्या होता है यार दोबारा नए व्लॉग कल परसों अभी इसका जो है ना साइड में ब्लॉक हो रहा है तो मैं बाद में बात करूँ अल्लाह हाफिज़